11144 तो अपने अरुण भाई का नंबर है यार। अरुण भाई ने ये डिफेंडर ले लिया। तो RTO ऑफिस में भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं कर सकते। चलो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठते ही देखते हैं। तो फ्रेंड्स बताओ ये क्या जीरो हो गया होगा दोबारा से? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। गुड न्यूज ये है कि 137 113 तो इन्होंने चला ली थी, 20 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला ली है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है। पर ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, जैसे होगा मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भाई मेरी गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट नहीं थी ना, कल मैंने एक नंबर प्लेट लगवा तो ली है टाइम बिंग, लेकिन जैसे ही मैंने अभी गवर्नमेंट की साइट से अप्लाई करेंगे, तो मैंने गवर्नमेंट की साइट पे सब इन्फॉर्मेशन डाल दी अपनी हरियाणा जो है, तो वो कहते हैं मुझे कौशिक जी 2019 से पहले की, मैं समझ नहीं पाया था क्या कह रहे हैं। तो मैं सोचता रहा कि शायद मुझे कॉल सेंटर पे फोन करना है, तो मैंने कॉल सेंटर पे फोन टका दिया। भाई कॉल सेंटर वाले कहते हैं कौशिक जी 2019 से पहले की अगर नंबर प्लेट बननी है आपकी तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 2019 के बाद की अगर आपकी कोई खो गई है गिर गई है बनवानी है तो आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ इनके RTO ऑफिस को, पता करता हूँ कि ये क्या बसूड़ी है, बनेगी कि नहीं बनेगी, या मुझे उनको 1500 रुपए पूछने पड़ेंगे भाई। क्या 1400 वाला बंदा आ गया मेरे पास, पर अब क्या है कि चलो देखता हूँ। लेकिन 1400 रुपए 1500 रुपए महंगे हैं, और वो भी चलो फर्स्ट टाइम तुमने ले लिया ठीक है, अब री करने के लिए दोबारा से, और एक नंबर प्लेट है। ये भी बताऊंगा आपको मैं, क्या एक नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हैं कि दो ही करनी पड़ती है? वैसे बताऊंगा आपको मैं, दो ही करनी पड़ेगी, पैसे थोड़े बच जाए तो बताएंगे आपसे। और ये जो मेरी प्रॉब्लम है ट्रिप है और ट्रिप भी की, मैं डेली जब भी व्लॉग गाड़ी में बैठूंगा मैं आपको चेक करके बता दूंगा। अभी मैं इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं रहा, अगर ये 1000 किलोमीटर जो चल गई तो 500 किलोमीटर पे तो चलो उम्मीद बन जाएगी भाई पूरी, और अगर ये 1000 चल गई तो ये समझो कि दिक्कत मेरी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बहुत भाइयों की गाड़ियों की नंबर प्लेट निकल गई है, किसी की एक एक निकली, ज्यादातर लोगों की पड़ी भी बहुत देखी है मैंने। तो अब ये है कि इसका प्रोसेस क्या है, बस प्रोसेस शेयर करने के लिए मैं इतनी माथा पच्ची कर रहा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ज्यादा कोई नहीं, पैसे तो भाई देने ही पड़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि एक हो जाएगा ही प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा आपको भी और मुझे भी। ये है हमारी बादशाहपुर की सेक्टर 57 में है। अभी चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है और आपसे शेयर करेंगे। भाई मैं आ गया था यहाँ पे उन्होंने मुझे बोल दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, RTO में कुछ नहीं होगा, जो भी होगा राजीव चौक पे होगा, राजीव चौक जाओ आप, वही जाके दोबारा अप्लाई होगा या शोरूम पे होगा। तो RTO ऑफिस में भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं जाता हूँ राजीव चौक पे, ये बेरी वाला भाग है मेन, गुड़गांव का सारा हिसाब होता है उधर ही होता है, वहाँ भी चल के आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर मैं भाई शोरूम वाला कोई 1500-1400 रुपये दूंगा, वही नंबर प्लेट लगवाएंगे। लेको दो कितना टीडियस प्रोसेस है कि गाड़ी की नंबर प्लेट गिर गई है तो भाई लगवाने के लिए घोड़े क्या सब खुल गए मेरे। तो देखो उतर गई थी ना मेरी गाड़ी की, ये लगी हुई थी, अब ये कल लगा गए थे महिंद्रा वाले, अब देखो फिर निकल रही है बार बार, यही मैंने कहा था तुम एक बार इसको कर तो दोगे पर ये बार बार उतरती रहेगी। नहीं भाई चिपक नहीं रही है, इतनी मुश्किल है एक आम आदमी की जिंदगी में, कोई क्या बता दे। भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया है, ट्विस्ट ऐसा है कि क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल भाई। भाई सबसे बुरी बात यह है ये अप्लाई होगी तो शोरूम से होगी, नहीं तो ये कहीं से भी अप्लाई नहीं होगी, कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे इनको 1500 रुपए देने ही पड़ेंगे। तो बताओ यार ये है, सारे धक्के खा लिए मैंने, टेम्प्रोरी बनवा ली 200 रुपए की, चलो फ्रेम 150 रुपए का आएगा क्योंकि ये 500 मांगते हैं, तो अब ये पेच है भाई, बड़ा पड़ा तड़ा पेच है इसके अंदर, तो शोरूम पे जाना पड़ेगा। DM महिंद्रा सर्विस सेंटर से जान चढ़ाई थी तो अब ये मेरे को DM वहां जाना पड़ेगा, शोरूम जहां से मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप लोगों की भी नंबर प्लेट 2019 से के बाद की है तो हो जाती है मान लो, तो शोरूम से ही बनेगी और कहीं पर भी नहीं बनेगी, ना RTO से बनेगी, सब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने कॉल सेंटर पे फोन किया कहता RTO जाइए, मैं RTO चला गया, कह रहा नहीं भाई साहब आप बेरी वाला भाग जाइए, बेरी वाला कहते हैं कौशिक जी नहीं शोरूम वाले ही बुक करेंगे और 1500 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों के भी ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे, शोरूम से ही अप्लाई होती है, ये अलग है यार, ये अलग कहानी है,
शोरूम से अप्लाई होती है। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। क्या बात है, खाली खड़े रहा है यार, बिल्कुल खाली है, क्या चक्कर है, गाड़ी उठा रहे यहाँ से क्या? ये है वो डीएम महिंद्रा जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी थी, और चलते हैं। रश आज थोड़ा कम लग रहा है, गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी है विद नंबर प्लेट। चलते हैं और पता करते हैं भाई इनसे, कोई रिबेट करेंगे तो बताएंगे, नहीं करेंगे तो बताएंगे। नंबर प्लेट मैंने अप्लाई कर दी है, बहुत मैंने बातचीत करने के बाद इन्होंने मेरे से 1100 रुपये चार्ज किए भाई, और दोनों नंबर प्लेट आएगी, और दो कह रहे परसों लगवा भी देंगे आपको हम, रसीद मैंने कटवा दी है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करो, ये करो। थैंक यू वेरी मच कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई ये कुछ भी नहीं है। आप ये ब्लॉग देखिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सारा कर लिया तामझाम, क्या प्रोसेस है ये आप वीडियो में आपको मालूम पड़ ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नॉलेज इनहेंस हुई होगी, जैसे मेरी हुई है धक्के खा के। अपन तो साला धक्के खा के सीखते हैं ज़िंदगी में। चलो कोई नहीं, हर मोमेंट को इन्जॉय करना है। पीछे खड़ी है भाई ग्रीन फॉरेस्ट, इधर खड़ी है अपनी ब्लैक, कोई किस्मत वाला लेगा इनको। अभी भाई देखो महिंद्रा का काम था, महिंद्रा का ही के बंदे ही कर रहे हैं, अब ये डीएम वाले ही करेंगे। ये अलग बात है कि सर्विस वाले नहीं कर रहे तो शोरूम वाले कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई ऑनलाइन HSVP की जो हमारी साइट है उस पे अप्लाई कर दीजिए। दो दिन से मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने साइट पे गया हूँ, साइट में सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मालूम पड़ता है कि 2019 के बाद की कोई गाड़ी है उसको आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकता उसका। तो ये आप प्लीज अपनी नॉलेज को अपडेट कर लीजिए कि ऑनलाइन ये होगा ही नहीं। अगर मैं आज आपको Z4 ऑटोमेटिक का रेट बताऊं तो आपके घोड़े घुल जाएंगे भाई। आज अगर मैं गाड़ी लेता हूं तो पूरी मुझे पड़ती है 20 लाख रुपए की, 1,60,000 रुपए इसका रेट बढ़ चुका है। अब उसका 20 का बेसिक 17,11,000 के आसपास है, जब मैंने ली थी तो 15,95,000 था, तो लगा लो कितनी हो गई है, 1,01,60,000 रुपीज गाड़ी महंगी हो चुकी है ये। यानी कि 20 लाख तो आपको शोरूम वालों को देने, प्लस मैंने जो गाड़ी के अंदर 2 लाख रुपए की भी वो कराई है मॉडिफिकेशन, वो करानी पड़ेगी। तो आज आपके भाई की गाड़ी स्कॉर्पियो वैन जो है ये 22 लाख से भी ऊपर की है। तो आई थिंक आपको मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा। तो 22 लाख रुपए की गाड़ी मिलती है और मेरे आगे जा रही है डिफेंडर, आप 11 अरे 1140 तो अपने अरुण भाई का नंबर है यार, अरुण भाई ने ये डिफेंडर ले लिया, ये आगे जो जा रही है ये डिफेंडर जा रही है भाई, इसे जाने देते हैं क्योंकि ये पैसे वालों की गाड़ी है, और अपन मोड़ लेते हैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में। और मैं हो सकता है कि बहुत जल्दी एक 4x4 गाड़ी है जिमनी पे मेरा मन आ रहा था खरीदने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी 4x4 नहीं है, लेकिन जिमनी ओवरप्राइज्ड है, थार महिंद्रा मैं खरीदना नहीं चाहता। तो अब बताना कौन सी 4x4 गाड़ी मार्केट में दूसरी आने वाली है, मतलब या फिर सेकेंड हैंड खरीदूँ मैं, क्योंकि मुझे सेकेंडरी गाड़ी खरीदनी है 4x4 करने के लिए। अभी नई 15-17 लाख की गाड़ी पड़ती है ऑन रोड, अगर मैं कहूँ जो जिमनी मुझे पसंद आएगी, जो काफी महंगी है, या फिर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी देखेंगे 4x4, वो बताना कमेंट बॉक्स में। अगर 4x4 खरीदने तो कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, थार मुझे नहीं खरीदनी है, कंसिडर नहीं करनी है। तो ये ब्लॉग को एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।